गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अनुपम कुमार, और आप सबका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अनुपम भारत। तो फ्रेंड्स, आज है डे 22 और जो मैं सीरीज बना रहा था, जो भी एक्सरसाइज मैं कर रहा था, उसकी जो वीडियो मैं बना रहा था, तो वो हो चुका है अभी तक। जो मैं कर रहा हूँ वो उतना हो चुका है ओवर, मतलब अभी इतना ही एक्सरसाइज है जो मैं फॉलोअप कर रहा हूँ। और आज से वापस बैक टू नॉर्मल एक्सरसाइज। मॉर्निंग सुबह सुबह का समय है, 6:30 बज रहे हैं और मैं हूँ छत पे ठंडी ठंडी हवाओं के बीच एक्सरसाइज करने के लिए। आज से मैं दोस्तों ना मैंने 300 से अपना स्किपिंग स्टार्ट किया था, और फिर मैंने इसे 500 किया था, फिर 700 किया था, और मैंने कल 1000 किया था, और आज भी मैं 1000 करने वाला हूँ। मतलब अब मैं कंटिन्यूटी में 1000 स्किपिंग करूँगा। अच्छा, इस स्किपिंग करने से क्या होगा, इसके बढ़ाने से क्या होगा? स्किपिंग ऑब्वियसली कार्डियो मतलब वेट लॉस, और वेट लॉस के साथ साथ आपका स्टैमिना डेवलप होगा। अब अगर बात को ऐसे आप समझो कि अगर आपको एक दो लोग मारने के लिए आते हैं, आपसे फाइट करने आते हैं, तो चलो आप एक दो लोग को मार सकते हो, लेकिन अगर 5-6-7 लोग अगर एक साथ आपको अटैक करने आ गए, तो वैसे सिचुएशन में आपका स्ट्रेंथ और स्टैमिना में डिफरेंस क्या होता है, ये मैं समझा रहा हूँ। कि अगर दो लोग हैं तो आपके पास स्ट्रेंथ है, आप मार लोगे, लेकिन अगर 5-6 लोग आपको मारने के लिए आ जाए तो आप क्या करोगे? वैसे सिचुएशन में आपके पास क्या होना चाहिए, स्ट्रेंथ और स्टैमिना? ऑब्वियसली वैसे सिचुएशन में स्टैमिना होना चाहिए ताकि आप वहां से भाग सको। अपार्ट फ्रॉम जोक, बस समझाने के लिए बोल रहा था। कहने का ये मतलब है कि अगर आप दौड़ तभी सकते हो जब आपके पास स्टैमिना रहेगा, वरना पता चला कि आप 100 मीटर 200 मीटर तक भागे उसके बाद पिट जाओगे, और 5-6 लोगों को मारने के लिए आपके पास स्ट्रेंथ भी नहीं है। तो इसको अगर आजकल के सेंस में लेके चलें तो बात बस इतनी सी है कि हमारे आसपास बहुत सारी बीमारियां हैं, तो आपके पास या तो स्ट्रेंथ होनी चाहिए या स्टैमिना होना चाहिए, या दोनों रहे तब तो बहुत अच्छा। अब स्ट्रेंथ मैं ये यहाँ पर एग्जांपल दूंगा कि अगर आपके पास पैसा है, लोग हैं और जो आपकी केयर कर सके, पैसा है जो हॉस्पिटल का बिल अफोर्ड कर सके लाखों में, तब तो भाई, और अगर आप उतना बियर कर सको तब बीमारी की मार, तो तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये सब चीज़ें नहीं है, तो सबसे अच्छा तरीका है स्टैमिना, कि आप अपने बॉडी के इम्यून सिस्टम को, अपने बॉडी को फिट रखो, अपने इम्यून सिस्टम को इतना स्ट्रांग रखो ताकि बीमारी अगर आए भी तो आप उससे भाग लो और बच जाओ। तो स्ट्रेंथ और स्टैमिना मैं इसीलिए समझा रहा था। और वैसे भी देखिए दोस्तों, बात ऐसा है कि अभी ऐसे भी आप देख रहे हैं फिट इंडिया मूवमेंट चल रहा है अभी हमारे कंट्री में, इंडिया में भी फिट इंडिया चल रहा है, और हर लोग अभी जितने सेलिब्रिटी हैं मैं रोज़ देख रहा हूँ यूट्यूब पे, सब लोग फिटनेस की वीडियो बना रहे हैं सब लोग, और मैक्सिमम लोग का मतलब कंसर्न मोटापा ही है, ओबेसिटी, और बिकॉज ओबेसिटी कारण डायबिटीज़ हो रहा है, हार्ट प्रॉब्लम हो रहा है, और लोग को पता भी नहीं चल रहा है, बहुत लोग तो दुबले होते हैं, उन्हें अभी कोलेस्ट्रॉल और हार्ट का प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो अगर आप ये सोचोगे कि आप रिफाइंड ऑयल खा रहे हो 200 का 300 का और ये सब, उससे आप बच जाओगे, उसमें कम फैट होता ही होता है, बिना फैट के कुछ भी नहीं बनता, इसीलिए अगर आप सोचोगे कि आप महंगे से महंगा चीज़ यूज़ करके अगर आप बीमारी से बच जाओगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। और अगर आपको लगता है कि अगर बीमारी से बचने का ये तरीका होता है, तो आप देख लो जा करके कितना लोग डेंगू चिकनगुनिया, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर है, और जहाँ नई नई बीमारियाँ आ रही है, देश का आबादी बढ़ रही है, बीमारियाँ बढ़ रही है, जगह उतनी ही है, अब उतने लोग के लिए ऑर्गेनिक फूड तो ऑर्गेनाइज किया नहीं जा सकता केमिकल फर्टिलाइज़र यूज़ करके, तो अब उससे तो ऑब्वियसली मिलावट खाने से तो आपका तो बीमारी तो बढ़ेगी ना, नई नई बीमारी, अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली बीमारियां भी साथ साथ बढ़ेंगी। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या है, मैं हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है सिवाय इस चीज़ के कि हम लोग एटलीस्ट खुद से ही अपने फिटनेस पर ध्यान दें। अब मुझे ही देख लो, मैंने क्या कहते, पहले फिट किया खुद को, उसके बाद मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वापस देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, 1000 स्किपिंग, ये वो सुबह शाम एक्सरसाइज। लेकिन अगर आप लोग चाहो तो मात्र सुबह का 20 से 30 मिनट एक्सरसाइज करके, माना पॉल्यूशन बहुत है लेकिन सुबह सुबह की ठंडी हवाओं में भी जादू होता है जो आपको एनर्जी देते हैं, तो आप चाहो तो कुछ भी नहीं करो तो अपने बालकनी में, अपने छत पे जा करके 10 मिनट 15 मिनट एटलीस्ट एक ठंडी ठंडी हवा का मतलब सांस ऑक्सीजन लेने की कोशिश करो, थोड़ा पॉल्यूशन तो दिन भर के पॉल्यूशन से कम ही होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और आज से मेरा चूँकि स्टार्ट हो रहा है रेगुलर एक्सरसाइज, मैं ऑब्वियसली अभी मैं आज से रेगुलर स्टार्ट, अभी इसमें स्किपिंग करूँगा, जंपिंग नीज और जंपिंग जैक्स करूँगा, और चूँकि अब मैंने अपना स्किपिंग का और पहले कार्डियो में कर रहा था 20 से 25 मिनट, अभी मैंने 45 मिनट कर दिया है, बिकॉज 20 से 25 मिनट मुझे लग जाते हैं 1000 स्किपिंग करने में ही, मैंने कल टाइम देखा था, उसके जंपिंग नीज और जंपिंग जैक्स भी कंप्लीट करता हूँ।
फिर शाम के समय वर्कआउट नीचे में, केवल आज मॉर्निंग के टाइम में केवल क्रंच, और फिर इवनिंग के टाइम में सारा प्लैंक वगैरह सब कुछ कर रहा हूँ। मतलब 32-45 मिनट इवनिंग में एक्सरसाइज जो मैंने बताया था मैं वो कर रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक्सरसाइज, और होप करता हूँ कि आप लोग भी अपने फिटनेस पे वैसे ही ध्यान दे रहे होंगे और सब लोग को अवेयर कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो, और चूंकि वीडियो तो मेरा एक्सरसाइज से बहुत लंबा चलेगा तो मैं कुछ कुछ क्लिप आपको दिखाऊंगा बीच में रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो देखते रहिए हमारे चैनल को, और अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए, नहीं पसंद आए तो वो भी हमें बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको क्या पसंद नहीं आया। एक्चुअली बना मैं रहा हूँ इसीलिए वीडियो, क्योंकि मुझे 100 वीडियो बनाना है, रोज़ आना है आपके सामने, रोज़ आप लोग को बताते रहना है और खुद भी जागरूक रहना है, आप लोगों को भी जागरूक करना है। तो वीडियो तो मेरी बनती रहेगी, आप लोग बताइए आप लोगों को कैसा लग रहा है और आप लोग के कुछ काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो।